तो हेलो गंजवासुदा, आज तुम्हें बताया कि जब बड़े से घर में गाय के गोबर से बनो वैदिक प्लास्टर हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो रहा है अपने बासुदा की ड्रीम सिटी के अंदर बन रहे एक घर में। तो अजा आज पीटीएस के साथ तुम्हें जा अनोखे काम की पूरी जानकारी दें। जी हैं आवाज एसोसिएट के इंजीनियर हर्षद और यूसुफ, जो कि पूरी विधि से जिले में वैदिक प्लास्टर को पहलो काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने गाय के गोबर से निर्मित वैदिक मटेरियल से भरी बोरी देखी और इन बोरियों पर भी लिखो तो देसी गाय के गोबर से निर्मित वैदिक प्लास्टर। और जो लेबर यूपी की है, जो कि पूरे एक्सपेरिमेंट करके बताएगी। पहले इन्होंने वैदिक प्लास्टर को पानी में घोलो और पेस्ट बनाओ, और जब इन्हें प्लास्टर की दीवार है जहाँ में लेबर गाय के गोबर से बनो वैदिक प्लास्टर कर रही है। थोड़ी देर बाद हमने दीवारें चेक करी तो दीवारें सूख रही हैं, और सूखने के बाद दीवारों में पुट्टी की जैसी फिनिशिंग आ रही है। अब इंजीनियर से जानेंगे कि गाय के गोबर का वैदिक प्लास्टर अगर अपने घर में करवाएंगे तो क्या क्या बचत होगी। इसको करने बाद तराई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती, इसमें लाइट की बचत होती है, बिजली पूरी आपकी बचती है। प्लास्टर होने के बाद आपको पुट्टी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें ना आपको रेत लाने की आवश्यकता होती है ना सीमेंट लाने की आवश्यकता होती है, इसमें कम समय में जल्दी काम होता है। ये वैदिक प्लास्टर है जो कि पूरी तरह नेचुरल और इको फ्रेंडली है। दूसरा, इसे लगाने से रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। तीसरा, ये साउंड प्रूफ है, यूवी रेडिएशन प्रूफ है। अगर आपको भी अपने घर में गाय के गोबर का वैदिक प्लास्टर करवाना है या फिर ऐसा मकान बनवाना है तो इंजीनियर से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो।